Hi everyone, welcome to this video, and in this video we are going to see some more questions based upon mathematical induction. So our question is, prove that 10 to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. So हमें इसको prove करना है using mathematical induction. चलो देखते हैं कैसे करेंगे. अब यहाँ पे भी हम suppose मान लेंगे let Pn may be defined as 10 to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. So सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा for n is equals to 1. मतलब जब हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखेंगे, देखेंगे क्या आएगा, तो ये आएगा P1 क्या हो जाएगा, आप n की जगह पे यहाँ पे 1 रख दो. सो ये आएगा 10 to the power 2, n की जगह हमने रखा 1, 2 into 1 minus 1 plus 1 is equals to, ये आ जाएगा 10 to the power, ये हो जाएगा 2 1 से 2 माइनस 1, 10 टू द पावर 1 प्लस 1. सो नाउ 10 टू द पावर 1 इज 10 एंड प्लस 1 इज 11. सो वी नो दैट 11 इज डिविजिबल बाय 11. सो P1 इज ट्रू. हमने जब n का वैल्यू 1 रखा तो आंसर आ गया 11 एंड वी ऑल नो दैट 11 इज डिविजिबल बाय 11. सो बेस केस हमारा क्या हो गया, ट्रू, P1 इज ट्रू. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें करना है अज्यूम फॉर n इज इक्वल्स टू m, Pm क्या होगा. मतलब फॉर्मूले में n की जगह पे आप अगर m रख दोगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा 10 टू द पावर 2m माइनस 1 प्लस 1 एंड इसे हमें मानना पड़ेगा दैट इट इज सपोज ट्रू. तो यहाँ पे हमने माना दैट फॉर n इज इक्वल्स टू m, Pm क्या बन जाएगा हमारा, हमने फॉर्मूले में n की जगह पे m रख दिया बस, 10 टू द पावर 2m माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11 टू बी ट्रू. सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, दैट 10 टू द पावर 2m माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11 लैम्डा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया दैट दिस नंबर इज इक्वल्स टू अ मल्टीपल ऑफ 11. अब यहाँ पे लैम्डा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. ठीक, देन इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें प्रूफ करना पड़ेगा फॉर n इज इक्वल्स टू m प्लस 1, p m प्लस 1 विल बी, हमें क्या करना है, ओरिजिनल फॉर्मूले में n की जगह पे क्या रखना है, m प्लस 1. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2, n की जगह पे हमें रखना है m प्लस 1, तो 2m प्लस 1 माइनस 1 देन प्लस 1. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 2m प्लस 2 माइनस 1 एंड प्लस 1. अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, इसको पावर्स को हम अरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1 एंड आगे प्लस 2 प्लस 1. हमने क्या किया, बस पार्स को अरेंज कर दिया, 2m माइनस 1 ने एक साथ ग्रुप कर दिया एंड 2 को आगे भेज दिया, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1 प्लस 2. अब आपको पता है कि पावर्स अगर ऐड होती हैं, जैसे मान लो अगर लिखा है कहीं पे 2 की पावर 2 प्लस 3, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3. तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, हम इसको स्प्लिट कर लेंगे दो पार्ट्स में 10 को. सो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई से है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2. ठीक है, पार्स ऐड हो रही थी देखो यहाँ से प्लस, तो हमने 10 टू द पावर 2m माइनस 1 को अलग कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 एंड आगे प्लस 1. अब ये करने का फायदा ये हुआ दैट वी नो द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 2m माइनस 1 कहाँ से, यहाँ से. तो यहाँ पे आप देख लो 10 टू द पावर 2m माइनस 1 विल बी इक्वल टू 11 लैम्डा माइनस 1. इस 1 को आप इधर ले आओ, तो आपको 10 टू द पावर 2m माइनस 1 का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा. अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पे, इस जगह पे. सो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 2m माइनस 1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 11 लैम्डा माइनस 1. तो यहाँ पे आ जाएगा 11 लैम्डा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा इक्वल टू, अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 एंड 100 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1100 लैम्डा माइनस 100 एंड देन ये प्लस 1. ठीक है, ये आ जाएगा. अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 1100 लैम्डा, यहाँ पे 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 100 प्लस 1 विल बी माइनस 99. अब इन दोनों नंबर्स में से आप 11 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे 11 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 100 लैम्डा माइनस 9. तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं दैट Pm प्लस 1 को जो हमने सॉल्व किया तो वो किस फॉर्म में आ गया, 11 टाइम्स ऑफ 100 लैम्डा माइनस 9 मीन्स 11 देखो यहाँ पे प्रेजेंट है. सो वी कैन से दैट दिस नंबर Pm+1 में जो भी वैल्यू आपका आएगा वो 11 का मल्टीपल तो है, हमेशा वो 11 का मल्टीपल रहेगा. सो दिस नंबर विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 11. सो वी कैन से दैट Pm+1 is divisible by 11 means it is true. So it is proved that Pn will be divisible by 11 for all the values of n. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.